लोअर लिम्ब। माशाल्लाह, मुझे जब रीजन खत्म होता है बड़ी खुशी होती है, आई जस्ट लव इट। लेटरल व्यू और ये है मीडियल व्यू, ठीक है। स्टार्ट करें? चलो जी, इधर सुनो पहले, उसके बाद लेबल, मैं इसको लेबल करता हूँ, फिर आप लेबल करते रहें, मैं टाइम दूंगा आराम से, कोई जल्दी नहीं है। देखो ये जो लाइन जा रही है ऊपर, इसको क्या कहते हैं? इलिक क्रस्ट, ठीक है। ये है इलिक क्रेस्ट। बताऊं कहाँ पे होती है? ये जहाँ आप पल्पेट करते हैं, ठीक है। ये पहली आपको जो नज़र आती है बोन, ये इलिक क्रस्ट होती है, ठीक है। और ये जॉइंट बनाती है सैक्रो इलिक जॉइंट, ठीक है। सैक्रम के साथ लगती है, ऐसे अटैच हो जाती है जी। हाँ ये जो है, ये तो इसके रिज है ना, यहाँ पे ये कंप्लीट जा रही ना ऐसे करके, सही है। ये दो यहाँ पे है, तो इसके पूरा हमने बनाया है यहाँ से यहाँ तक। उन्हें वैसे क्या कहते हैं? किसको? रिजेस को क्या कहते हैं? ये इलिक रिस्ट, जो दो रिजेस हैं। हाँ अभी स्पाइन्स, उसके स्पाइन्स होते हैं ना यहाँ पे। हाँ माय गॉड, पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन और पोस्टीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन, इंटीरियर सुपीरियर इंटीरियर इलिक स्पाइन और इंफीरियर, सही है। गेम अभी स्टार्ट हुई है। इलिक क्रस्ट इसके होते हैं तीन पार्ट, सही है। पहले को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट जोन, ठीक है। इधर से होता है ये इंटरमीडिएट जोन, ठीक है। सेकंड को रेटिना कॉलम, और थर्ड जो है इसको हम कहते हैं आउटर लिप, सही है। ये जो है बाहर की तरफ, बिल्कुल बाहर, सही है, क्लियर। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ये जो लाइंस लगी है, ठीक है, ये एक इधर भी लाइन होती है, तीन लाइन होती है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ग्लूटल लाइन। कल कितने बजे फ्री हैं आप सब? कल फ्री है, फ्री है, ठीक है। ऐसे करना ढाई बजे, 2:50 पे क्लास है, 2:30 बजे आ जाना उधर इंस्टीट्यूट में, उधर होऊंगा कल 2:30 बजे। आप सबको मैं बोन्स दिखाऊंगा उधर, मैं आज ला रहा था, वो इंस्टीट्यूट वाले नहीं देते। ग्लूटल लाइंस, सही है, सुपीरियर मिडल और इंफीरियर, तीन लाइंस होती है, सही है। नेक्स्ट ये जो है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं आला ऑफ इलियम, सही है। या अगर आप इजी करते हैं इसको ग्लूटल सरफेस भी कहते हैं, सही है। उसके बाद आते हैं ये जो है इधर, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, सही है। और इधर होते हैं आपके पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, सही है। ये आपकी होती है ग्रेटर शियाटिक नॉच, सही है। ये आपका होता है ईशियल, या फिर हाँ ईशियल स्पाइन लिखो, या स्पाइन ऑफ ईशियन भी लिख सकते हो, ठीक है, ईशियल स्पाइन। ये जो पार्ट है ये होती है बॉडी ऑफ इलियम, सही है। ईशियल स्पाइन तक आ गए, उसके बाद ये जो नॉच आ रही है ये होती है लेजर शियाटिक नॉच, सही है। फिर उसके बाद आती है इधर ईशियल ट्यूबरोसिटी, मीन यहाँ पे ईशियम मसल जो है वो अटैच होता है, ईशियल ट्यूबरोसिटी। उसके साथ साथ यहाँ पे होता है रेमस,
रेमस ऑफ ईशियम, सही है। ये है आपका ऑब्चुरेटर फोरामेन, ऑब्चुरेटर क्यों होती है यहाँ पे ऑब्चुरेटर फोरामेन, यहाँ पे एसिटाबुलम, और ये है एसिटाबुलम, क्या फीमर का हेड लगाने के लिए, किस में ऑब्चुरेटर फोरामेन में, ऊपर वो जो ऊपर लगेगा एसिटाबुलम में लगेगा, मैं बताता हूँ, मैं इस चीज़ के पैसे लेता हूँ। ये है रिज ऑफ ऑफ एसिटेबुलम, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे इधर इधर कैविटी होती है किसकी, एसिटेबुलम की। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कैविटी और रिज बिज, ठीक है, एसिटेबुलम को पता होना चाहिए बस, सही है। और ये नहीं पूछते आपसे किसी भी एग्जाम में, एक लफ्ज़ नहीं पूछा, सही है। जो पूछने वाली चीज़ें थी अपर लिम में देख ली मैंने, बता दी कौन कौन सी चीज़ें पूछते हैं, लोअर लिम में भी वही चीज़ें पूछते हैं, वो भी बताएंगे। ऑब्चुरेटर फोरामेन जो है, कभी नाम सुना है ऑब्चुरेटर आर्टरी का, चलो ऑब्चुरेटर आर्टरी इसमें से पास करती है और ऑब्चुरेटर नर्व पास करती है इसमें से, इस फोरामेन में से, सही है जी। ऑब्चुरेटर आर्टरी और ऑब्चुरेटर नर्व, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब हम ब्लड सप्लाई में जाएंगे मैं बताऊंगा कि वो ऑब्चुरेटर आर्टरी किसकी ब्रांच है, ठीक है। और सेम ऑब्चुरेटर नर्व अगर आ रही है तो वो किसकी ब्रांच है और उसका फंक्शन क्या है, सही है। उसमें हम सैक्रो लंबर प्लेक्सिस पढ़ेंगे, लंबो सैक्रल प्लेक्सिस, जैसे हमने ब्रेकल प्लेक्सिस पढ़ा है, ठीक है। बताऊँगा कौन सी नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो ईजी है, ब्रेकल प्लेक्सिस टफ है, सबसे ज़्यादा टफ वही है। अपर लिम ख़त्म हो गया, अब अयाशियाँ हैं, बोन्स यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, फिर एब्डोमिन पेरिनियम में जाएंगे, फिर आपको और मज़े आएंगे, क्लियर यहाँ तक, सही है। ये पार्ट रहेगी हमारी, कौन सी बोन है इस साइड पे, प्यूबस, ठीक है। इधर सुपर से आते हैं, वो पोस्टीरियर था, ये क्या होगा इंटीरियर, सुपीरियर इलिक्स स्पाइन, और दूसरा क्या होगा इंटीरियर इंफीरियर इलिक्स स्पाइन, सही है। और यहाँ पे कोई नॉच वॉच नहीं होते, सही है, आप यहाँ पे नहीं लिखने, इधर ग्रेटर शियाटिक और लेजर शियाटिक नॉच दूसरी साइड पे, जिस साइड पे ईशियम होता है। फिर उसके बाद ये आपका होता है, ठीक है, प्यूबस, सॉरी ज़्यादा ऊपर कर दिया मैंने, सही है, इधर से प्यूबस, सही है। और यहाँ पे इसका होता है प्यूबिक ट्यूबरकल, ट्यूबरकल नज़र आ रहे हैं, दूसरा कलर यूज़ करते हैं, ब्लू यूज़ करते हैं, प्यूबिक ट्यूबरकल, सही है। फिर यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट, सही है, गन ज़्यादा हो गए हैं, समझ आ रही है, ब्लैंक ब्लैंक फेसेस दिख रहे हैं ना मुझे, इसलिए पूछा मैंने। यहाँ पे इधर होता है प्यूबिक या सुपीरियर प्यूबिक रेमस, लिखो, ठीक है, सुपीरियर प्यूबिक रेमस, सही है। और इधर होती है आपकी इन्फीरियर प्यूबिक रेमस, सही है। ये जो आपने ग्रीन से लिखा है, सॉरी ब्लू से लिखा है हमारे भाई, इसको हम कहते हैं प्यूबिक सिंफेसिस, क्लियर, ठीक है। ये इसका लेटरल व्यू है और ये इसका मीडियल व्यू है। मीडियल व्यू के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, सही है, सब के सब, बस ये है कि आपकी जो इस साइड पे पोस्टीरियर थी इस साइड पे इंटीरियर आ जाएगी, और जिस साइड पे इंटीरियर थी उस साइड पोस्टीरियर आ जाएगी, ठीक है। आपकी बोन्स को थोड़ा सा पलटाएंगे, एसिटेबुलम आपका शिफ्ट हो जाएगा दूसरी साइड पे, ईशियम आपकी दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा एक और चीज़ जब इधर डिस्कस ही कर रहे हैं, ठीक है, जिसको शियाटिका हो, शियाटिका सुना है कभी नाम, जब शियाटिक नर्व इंजर्ड होती है, ठीक है, या फिर इन्फ्लेम्ड होती है, तो वो क्यों होती है पता है, लेट सपोज ये बुटॉक है, इसकी चार हिस्से, जो आपके पैरामेडिक्स होते हैं या जो क्वैक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंजेक्शन टोकते हैं या इस पार्ट में या इसमें या इसमें, जिसकी वजह से शियाटिक नर्व इंजर्ड होती है, सही है। आप इसमें भी नहीं लगा सकते, इसमें भी नहीं लगा सकते, इसमें भी नहीं लगा सकते, द ओनली पार्ट इज, ठीक है,
अपर आउटर पार्ट। क्यों? क्योंकि यहां से शियाटिक नर्व आ रही है, इधर से ग्रेटर और इधर से लीजर, और ये आके निकलती है, सही है। दैट्स वाई वो कहते हैं कि जब भी आप इंजेक्शन लगाएं, सबसे पहले आप पल्पेट करें ये जो आपका है इली क्रस्ट। जब आपको इली क्रस्ट का पता चल जाता है, फिर आप बुटोक को अपने जहन के अंदर डिवाइड करें चार हिस्सों में, जो आउटर होगा अपर आउटर पार्ट जो बनेगा उसमें आपने इंजेक्शन लगाना है, सही है, क्लियर। इसका ध्यान रखना है, इसको डिस्कस करें ह्यूमर, उसको फीमर को, फीमर को डिस्कस करते हैं, फिर आप लिखें फीमर। दिस पार्ट इज नोन एज फोवा कैपिटस। कैपिटस किसको कहते हैं लैटिन में? हेड को, ठीक है। ये लिगामेंट है असल में, जब ये लगेगा स्टबुलम में, सही है, तो उसके लिए ये वाला लिगामेंट चाहिए, लिगामेंट फोवा या फोवम, वो इस हेड को क्या करता है स्टबुलम के साथ फिक्स कर देता है, ठीक है। ये हो गया है नेक्स्ट हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेजर ट्रोकेंटर। ये चूंकि इंटीरियर व्यू है, इसके ऊपर ये, ठीक है, नेक ये है इसका, यहाँ पे हमें तीन फोरामेन मिलते हैं जिसको हम कहते हैं रेटिना कोलम फोरामेन, सही है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद एक और इमेजरी लाइन लगाते हैं हम, कोई बता सकता है ये क्या है? अबिना के न सर्जिकल नेक है, सही है। ये होता है इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन, जो दो ट्रोकेंटर है, ठीक है, लेजर और ग्रेटर, उसको एक दूसरे से सेपरेट कर रही है, सही है। ट्यूबरोसिटी जहाँ पे मसल की अटैचमेंट होती है, ठीक है, ट्रोकेंटर नाम है इसका, जो ट्यूबरकल है, ऊपर ट्यूबरकल पढ़ा था ना हमने ह्यूमरस का, ग्रेटर ट्यूबरकल लीजर ट्यूबरकल, इसका ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लीजर ट्रोकेंटर, सही है। अब उसने पता नहीं क्यों ऐसे नाम रखे हैं, वो आसान भी रख सकता था, वो रख सकता था शमीम, रख सकता था नसीम, रख सकता था, नहीं रखे उसने, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके इंटीरियर साइड के ऊपर जो बाकी चीजें दिखती है वो शाफ्ट दिखता है इसका, बस शाफ्ट, सही है, बाकी इसकी चीजें वाजह नहीं होती। और उसके साथ साथ ये क्या है? पेटेलर फोसा, और अगेन यहाँ पे क्या है? मीडियल एपिकुंडाइल, और ये है मीडियल सुप्राकुंडाइल, ठीक है, ये है आपका लेटरल एपिकुंडाइल और लेटरल सुप्राकुंडाइल, ये होता है आपका इंटीरियर पार्ट, सही है। नेक्स्ट पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर, ये जो है पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर जो चीज़ें यहाँ से मिसिंग है, मैं वो चीज़ें आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे नहीं होता ट्रोकेंटेरिक फोसा, ट्रोकेंटेरिक फोसा, यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है, आप लिख सकते हैं एडक्टर ट्यूबरकल, ठीक है, एडक्टर मसल जो है इसके साथ इंसर्जन होती है। ट्रोकेंटेरिक फोसा नहीं होता यहाँ पे, सही है, आगे ट्रोकेंटेरिक, दो ट्रोकेंटर के दरमियान एक फोसा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रोकेंटेरिक फोसा। नेक्स्ट बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है, पोस्टीरियर व्यू में आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं है वो लिखना पोस्टीरियर व्यू में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वाड्रिसेप ट्यूबरकल, ये मिसिंग होता है, जी चार हेड होगी इसके, मसल है ये, सही है, जब मसल पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा मैं, क्वाड्रिसेप, सही है, क्वाड्रिसेप ट्यूबरकल नहीं होता इसके ऊपर। और उधर हमने क्या देखा था? पेटेलर
और इधर होता है इंटर कुंडेलर फोसा। सही है। उसके पोस्टीरियर में वाली क्रेनियन था, ह्यूमरस के पोस्टीरियर में वाला क्रेनियन था, और इसके क्या है इंटर कुंडेलर। क्यों? क्योंकि ये भी तो वैसे ही मूवमेंट करता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सेम वे में। सही है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है? आप इधर तक लिखें। सही है आप, लेकिन ये तो मिक्स हो जाएगा सारा। अरे यार मेरी कमर। चलो यहाँ पे होता है फोरामेन या न्यूट्रेटिव फोरामेन लिखते हैं, न्यूट्रेटिव फोरामेन। अगर आप लोगों को याद हो हमने ग्रेटर लिप्स और ग्रेटर लिप प्लस मीडियल लिप और लेटरल लिप पढ़ा। हाँ चलो इसमें भी वही लिखते हैं, ग्रेटर और ग्रेटर लिप और सॉरी फिर ग्रेटर लिप लिया लेटरल और मीडियल मीडियल और लेटरल लिप। ठीक है, आप इसको लाइन ऑफ स्पेयर भी कह सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़, पेक्टिनियल लाइन कभी नहीं पूछेंगे, पेक्टिनियल लाइन। सही है, ये दो तीन चीज़ें हैं। और यहाँ पे इंटीरियर व्यू पे हमने क्या देखा, लेटरल एपिकुंडाइल, इसमें ये कुंडाइल भी होते हैं, सुप्रा कुंडाइल भी होते हैं, एपिकुंडाइल और इसमें कुंडाइल भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेटरल कुंडाइल और मीडियल कुंडाइल और इस साइड पे लेटरल कुंडाइल। ठीक है, ये सारी चीजें होती है इसमें।